एशिया में सबसे फेमस है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, वो पड़ता है डल लेक साइड में, ठीक है। अरे यार बाप रे बाप, देखो कितना अच्छा लगता है जब बाहर जाते हैं ना। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, द ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, जो कि पड़ता है हमारे इंडिया में। कैरिट कवर ऑन सियाचिन ग्लेशियर। हेलो, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। और व्यूअर्स, ये देखो आज कश्मीर का मौसम कैसा है। आज बहुत ठंडी है, उम्मीद है कि बारिश ना गिरे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिसका मेरे को डर था वही हो गया। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं आपको आज दिखाऊंगा पहलगाम, लेकिन मैंने कन्फर्म किया कि वहाँ से भी बर्फ़ आज गिर रही है। और साथ ही साथ में श्रीनगर में जब बारिश पड़ती है ना, तो अपर एरियाज़ में तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ने का इम्कान होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज डेवलपमेंट ही दिखाऊँगा श्रीनगर का, लेकिन दूसरे साइड से, जो कि मैंने अभी कवर नहीं किया। और बाइक चलाने में आज दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं अपने छोटे भाई को साथ में उठा रहा हूँ, क्योंकि वो ही ड्राइव करेगा और मैं पीछे बैठूँगा और आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वैसे भी आपने तो अभी तक शायद रेनी सीज़न में श्रीनगर नहीं देखा होगा, तो आज आप देखोगे कि रेनी सीज़न में श्रीनगर कैसा दिखता है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कश्मीर का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो कि एशिया में सबसे फेमस है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, वो पड़ता है डल लेक साइड में, ठीक है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाओ ताकि मेरी हर एक वीडियो पहले आप तक पहुंचे। लव यू फ्रॉम कश्मीर। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जहांगीर चौक। तो ये है मार्केट श्रीनगर का, जिसको हम अमीरा कदम कहते हैं। ये साइड वहीं से जुड़ता है। अभी बारिश की वजह से ना, ये अपना सामान बंद कर रहे हैं, क्योंकि बारिश में मार्केट डाउन होता है यहाँ पर, और ट्रैफिक भी खास नहीं रहता है। और ये है अमेरा कदल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर देखो मार्केट कैसा रहता है। यहाँ से इतना रश रहता है कि चलने को जगह ही नहीं होती है। होली फैमिली कैथोलिक चर्च, ये यहाँ पर चर्च है। और राइट साइड से जो आप देख रहे हैं, ये है पोलो मार्केट। देखो कितना जज रहा है अभी। ये है गोल्फ, जो कि श्रीनगर में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लोकल्स अलाउड नहीं है अभी। और ये भी यहाँ से चल रहा है काम, यहाँ पर कुछ बड़ा बनने वाला है। तो अभी हम पहुँचे हैं डल लेक, और यहाँ से भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ बना रहे हैं ये लोग। ओ देखो हाय कर रहा है व्यूअर्स को। बहुत खुश है अभी। ये देखो व्यूअर्स, मेरे कपड़ों की हालत पूरे गीले हो चुके हैं। और तो अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन इस साइड से आप देखो, इस साइड से पूरे बादल छाए हैं, और इस साइड से देखो, इस साइड से क्लियर हो चुका है मौसम। और ये देखो, ये है कुछ डल लेक का व्यू।
ये देखो व्यूअर्स, अभी डल लेक की सफाई चल रही है। ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये उगता है अंदर, तो इसी की वजह से ना क्या बोलते हैं, डल लेक गंदा होता है। ये है वो फ्रूट चाट वाला जो कि आपने फेसबुक पर भी देखा होगा। फ्रूट चाट बेचते हैं ये 1000 रुपीज़ पर प्लेट। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की ओर, जो कि थोड़ा सा ही अब रह गया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एशियाज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो कि नेहरू पार्क में पड़ता है। ये है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। आपको थोड़ा सा अंदर से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पोस्ट ऑफिस का। ये देखो छोटी सी कांगड़ी है, ये भी कश्मीर का ट्रेडिशन है। साथ ही साथ में हुक्का, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं जजीर, बहुत ही खूबसूरत है अभी इस टाइम। और ये है क्या कहते हैं इसको, हाउस बोट, छोटी सी हाउस बोट है। हाँ, मैंने एक वो यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए स्कूटी भी देखी। ये है समावार, छोटा सा समावार, छोटी सी नाव है ना, बहुत क्यूट है, लेकिन ये बहुत हेवी है। वुड ना, मतलब ये बनता है स्पेशल वुड से, इसको कहते हैं हम पेपर माशी। ये पेपर से बनता है। और ये जो आर्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला आर्ट, ये किसी को नहीं आता है। कश्मीर में कुछ ही लोग हैं जो कि ये आर्ट अपने हाथ से मतलब ड्रा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इसको ड्रा नहीं कर सकता है। और इसे हम कहते हैं कश्मीरी में नोट, जो कि कश्मीरी सॉन्ग्स में यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे मटका जिसको हम कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कालीन, कश्मीर का फेमस, ये भी कश्मीर के ट्रेडिशन में आता है। अभी मेरे को परमिशन मिली है अंदर जाने की, सर ने मेरे को इजाज़त दे दी कि बोला बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ अंदर और दिखाओ। तो कुछ है ऐसा व्यू, स्पेशल कवर्स ऑफ कश्मीर। ये है, इसे कहते हैं हम वेरीनाग, यहाँ पर भी मेरे को जाना है। और ये देखो स्टैंप है इंडिया की, इसके बारे में मुझे खास कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत अभी लकी हूँ जो कि आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टैंप सैफरन 2011, ये भी स्टैंप है चिनार राजंस रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स अनंतनाग टू श्रीनगर। ये ट्रेन का ट्रैक दिखा रहे हैं हांगुल, ये है हांगुल जो कि दाशीगाम में पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं अंदर। वो वाव, सो अमेजिंग है ना यार। इसे कहते हैं हम रबाब।
ये है हमारे सामने कालीन, और ये देखो ये है कश्मीरी ट्रेडिशन फैरन जिसको हम कहते हैं, और ये सामने हमारी जो पिक्चर है इसको, ये है परी महल का ओल्ड स्टैम्प्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है अभी, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये भी कारीगरी है कश्मीर की। ये पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है ये कश्मीर में, लेकिन मुझे ये नहीं पता है किस आर्टिस्ट ने बनाई है, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार ये देख रहा हूँ, और साथ ही साथ में जो फ्रेम इन्होंने बनाया है ये पेपर माशी का फ्रेम है, जो कि एज यूजल आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी भी शॉप पर। सो व्यूअर्स, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुझे परमिशन मिलेगी अंदर जाने को, वो भी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के। तो मैं आपसे ये भी शेयर कर रहा हूँ, देखो इसमें जो भी यहाँ पर चीज़ें लगी है ना, ये कश्मीर ट्रेडिशन को शो कर रही है, और जो कि फेमस है कश्मीर में। आप भी आओ, आपको भी परमिशन मिलेगी। यहाँ पर ना इंसान को लग्जरियस फील होता है, मतलब इंसान को लगता है कि मैं बादशाह हूँ, क्योंकि इतना डेकोरेट किया है इन्होंने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को अभी आके यहाँ। ये जो आप देख रहे हो ना कर्टन्स, ये भी हाथ के बनते हैं, ये भी हैंडमेड है, जिसको हम आरी वर्क कहते हैं ना, आरी वर्क, ये वही है। ये इसको भी लगते हैं लगभग 5 to 6 months तैयार होने में, ये भी बहुत कॉस्टली होते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये वाला, इसमें भी डिज़ाइन, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। और आप जो ये देख रहे हो फैरन, इसमें भी तिला वर्क हुआ है। ये देखो व्यूअर्स, वॉच, ये भी वुडन वॉच है, इस पर भी कारीगरी का कमाल दिखाया गया है। ये देखो, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओल्ड स्टैम्प्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बहुत रेयर है। ये देखिए, ये है ओल्ड स्टैम्प्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पुराने मोहर जिसको हम कहते हैं कश्मीर के, ये सबसे पुराना मेरे को लगता है, इस पे June 1998 है शायद, ये भी होंगे पुराने, लेकिन इन पे इन पे तारीख भी लिखी है, बहुत ज़्यादा पुराने हैं ये। ये तो बहुत रेयर है और कॉस्टली भी होंगे। और जो भी कोई ये पढ़ना चाहता है प्लीज़ पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा होता है कुछ रबाब जो कि कश्मीरी सूफिज्म को प्रमोट करता है। तो व्यूअर्स, जब ये रबाब बजता है ना तो इंसान मतलब इसकी धुन में खो जाता है, पूरा ना पूरा खो जाता है। मेरे को पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है रबाब, और बहुत मतलब मन कर रहा था मैं भी ये लाऊंगा खुद के लिए, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है मतलब बजाने के लिए, और इसकी प्राइस लाखों में रहती है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, द ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, जो कि पड़ता है हमारे इंडिया में,
वी शुड प्राउड टू बी इंडियंस। कैरी इट कवर ऑन सियाचिन ग्लेशियर। तो ये है कुछ ऐसा, कैरीड फ्रॉम सियाचिन बेस कैंप टू सियाचिन ग्लेशियर FLB बाय चीता हेलीकॉप्टर टू NG टाइगर। पता नहीं इसका मतलब क्या है। नॉर्दर्न कमांड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूरी करना, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करो, दिल खोल कर मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आपको ऐसी ही रेयर चीज़ें दिखाऊं। और अब मैं भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एंटरटेन कराऊं और आपको इंफॉर्मेशन भी दूँ, ठीक है ना। तो कभी कभार अगर मेरे से गलती हो भी जाए तो प्लीज़ मेरे को माफ़ किया करो, क्योंकि मैं नया ही हूँ अभी और गलती तो हर एक इंसान से होती है ना। तो उसके लिए सॉरी अगर किसी भी जगह मेरे को कुछ गलत मतलब बोलने को या वीडियो उठाने के दौरान कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। स्पेशल कवर्स इशूड ऑन डल लेक। ये स्पेशल कवर है। तो व्यूअर्स, मैं सर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रश है, तो वो रहे हमारे सर जिन्होंने हमको एलो किया यहाँ पर आने को और फोटोग्राफी को भी एलो किया। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, तो अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं। अरे यार, बाप रे बाप, देखो कितना अच्छा लगता है जब बाहर जाते हैं ना, तो सीधे आपको डल लेक का व्यू दिखाई दे रहा है। और देखो मौसम भी बहुत क्लियर हो चुका है, और ये देखो डल लेक का व्यू। और मेरा भाई इधर वेट कर रहा था तब से, लगभग 1 घंटे से मेरा वेट कर रहा था। और ये देखो वो वाला जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है ना, ये है जबरन का माउंटेन, और उस साइड से पड़ता है लैला मजनू का माउंटेन, वहाँ पर भी मैं गया था। प्लीज़ आप वो व्लॉग भी मेरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। अरे धूप भी तो निकली है, अच्छी बात है। मेरे कपड़े गीले हो चुके थे, तो चलो ये भी सूख जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम करते हैं थोड़ा सा डिस्कवर श्रीनगर की डेवलपमेंट, और जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था दूसरे साइड से। और फेमस मार्केट भी दिखाऊंगा आपको, गोल मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो कि पड़ता है करा नगर साइड से। ये देखो व्यूअर्स, ये चल रहा है काम स्मार्ट सिटी का, और ये इन्होंने बनाया है नया पाथ साइकिलिंग और फुटपाथ के लिए। वो देखो अभी भी काम चल रहा है, चाहे बारिश हो चाहे क्या हो, लेकिन ये काम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और है, और उस आगे पड़ता है संतूर होटल, और इस साइड से पड़ता है निशात शालीमार। तो ये देखो व्यूअर्स, क्लीनिंग ड्राइव ऑफ डल लेक, कैसे यहाँ पर सफाई की जा रही है। यहाँ पर डल लेक भी साफ किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ निशात गार्डन, मेरे सामने है निशात गार्डन, और यहाँ पर भी अपग्रेड हो रहा है, फुटपाथ यहाँ पर भी बन रहा है।
जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये भी एक्सपेंड कर रहे हैं थोड़ा फुटपाथ, ताकि साइकिल वाइकल आराम से चल सके और वॉकिंग के लिए भी। और इसी के अपोजिट है हमारे श्रीनगर सिटी का स्मार्ट बोर्ड। और ये है निषाद गार्डन का दीवार। और ये देखो टाइल्स जो कि यहाँ से पड़ेंगे इस पाथ के ऊपर, जो टाइल्स है ना वो ऐसे है। और ये देखो ये है निषाद घाट, इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है इस साइड। ये है निषाद शिकारा स्टैंड, ये देखो ये भी अपग्रेड हो रहा है इस टाइम, लेकिन इसके ऊपर अभी टाइल्स नहीं बनी है, तो टाइल्स भी इसके ऊपर लगाएंगे ये लोग। तो फिलहाल तो डेवलपिंग है ज़्यादा, अभी फोकस किया जा रहा है मेन सिटी श्रीनगर, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया। लेकिन इस साइड से भी पाथ इन्होंने बनाए हैं, और राइट साइड से जाते हैं शालीमार की तरफ, और ये साइड भी जाता है हज़रतबल, ये ऐसे कनेक्ट होता है। और ये देखो ये है निषाद गार्डन। तो व्यूअर्स, अभी मैं आ चुका हूँ मुगल गार्डन शालीमार, और यहाँ पर भी काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लोहा भी अभी यहीं पर है, और वो देखो कंक्रीट इन्होंने डाला है इस साइड से भी, और ये साइड अभी फ़िलहाल बंद ही है, लेकिन काम अभी ज़ोरों शोरों से यहाँ से भी चल रहा है। वो देखिए बर्फ़ के पहाड़, इसीलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखिए कैसे यहाँ पर भी काम चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर भी बिछाया है, इसके ऊपर और कंक्रीट पड़ेगा। और ये यहाँ से पड़ता है वाटर कैनाल शालीमार का, यहाँ पर भी इन्होंने रिनोवेट का काम शुरू किया है, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ना बंद रखा, क्योंकि आगे काम चल रहा है। ये देखो ये है वाटर कैनाल शालीमार का, और इन्होंने साइड से भी अपग्रेड किया है जैसे कि ये। और यहाँ पर पहले मैगडम हुआ करता था रोड, तो उन्होंने क्या किया है काम, इन्होंने देखो कंक्रीट डाला है, ताकि ये हमेशा टिका रहे, बार बार इसको रिनोवेट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसे कहते हैं स्मार्ट होना। अभी हम जाएंगे आगे, ठीक है ना, उसी साइड से अब थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे, और वहीं से हम जाते हैं डाउनटाउन श्रीनगर। और ये देखो व्यूअर्स, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, हाफ तक तो इन्होंने कंप्लीट किया है, और टाइल्स भी इन्होंने लगाई है, जैसा कि घंटाघर में आपको दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने किया है। ये देखो यहाँ का फुटब्रिज अभी कैसा था, ये पूरा ना वुडन था, और इस पर तो ऑब्वियसली खतरा रहता है गिरने का, तो इन्होंने क्या किया काम, ये अब बंद हो जाएगा जल्द ही। और वो देखो इन्होंने परमानेंट कैसा इन्होंने डिज़ाइन भी रखा है, अच्छा फुटब्रिज के बदले यहाँ पर परमानेंट किया है, और देखो कंक्रीट भी इस साथ पे इन्होंने डाला है। अभी मौसम वापस ख़राब आने को है, और काले बादल भी अभी छाए हुए हैं, मुझे लगता है बारिश फिर से गिरेगी। मेरा अपर तो पूरा सूख गया है, लेकिन पीछे से थोड़ा गीला ही है। अब आप दुआ कर रहे कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, ठीक है ना। तो अभी हम जा रहे हैं गोल मार्केट, वो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, ओके। इस टाइम मैं अभी पहुँच चुका हूँ फोरशो रोड दूध मोहल्ला, और इन्होंने अभी वन वे का यूज़ किया है, वन वे ट्रैक, यहाँ से बोथ साइड से गाड़ी आती जाती है। यहाँ पर तो दो मतलब इस साइड से भी जगह थी गाड़ियों की, लेकिन इन्होंने अभी ये पूरा बंद करके रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी काम चल रहा है। ये देखो ये है फुटपाथ,
देखो कितना एक्सटेंड किया है फुटपाथ, ये इतना ही मतलब यहाँ तक था, इसके बाद डल लेक स्टार्ट होता था, लेकिन इन्होंने यहाँ से भी ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है ताकि गार्डिंग के लिए अच्छी सी जगह भी यहाँ से रहे। और इसके अपोजिट अगर आप देखोगे वो है दरगाह हज़रत बल, वो है दरगाह हज़रत बल। ये देखो व्यूवर्स डल लेक का अपोजिट व्यू, और यहाँ पर ये ना ग्रीनरी यहाँ पर लगाई जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये भी पाथ है साइकिल के लिए, यही भी पाथ अभी बन रहा है साइड। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अभी ज़ैना कदल, और ये देखो ज़ैना कदल से भी फिलहाल ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसके बाद चलेगा काम फुटपाथ का। मैं आपको अभी बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो स्मार्ट सिटी श्रीनगर वर्क इन प्रोग्रेस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी गोल मार्केट, जो कि करान नगर में पड़ती है, और ये है गोल मार्केट की मस्जिद। और ये गोल मार्केट इसी को इसलिए कहते हैं इसको गोल मार्केट क्योंकि ये राउंड है, और राउंड में आप देख सकते हो शॉप्स है, लेकिन इस वाले एरिया में ना सबसे ज़्यादा बाइक्स है जो कि बेचते हैं। ये देखो सेकेंड हैंड बाइक्स यहाँ पर ज़्यादा बेची जाती है, इसीलिए ये फेमस है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था वर्क इन प्रोग्रेस स्मार्ट सिटी श्रीनगर, ये देखो अभी काम चल रहा है इस वाले साइड से, और यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हैं, ये देखो स्मार्ट सिटी का काम अभी यहाँ इस साइड से भी चल रहा है। बीच में इन्होंने बहुत सारा एक्सटेंड किया है, लगता है ये फुटपाथ शायद बीच में ही बनाएंगे, और इसको रेनोवेट भी करना ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत मतलब यहाँ से चलने की जगह नहीं थी उस टाइम। तो अभी देखते हैं कैसा यहाँ का डिज़ाइन भी रहेगा। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश और स्टार्ट होने लगी, और बहुत ज़्यादा सर्दी अभी है, ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिरेगी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूरी करना, ठीक है? और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।